साथ मैं हूं जुलेखा नासिर। सबसे पहले मशरिक हेडलाइंस। डेरा बुगटी स्वीट डॉक्टर्स को पुलिस का गार्ड ऑफ ऑनर। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस डेरा मुरादमाली में दिहाड़ीदार मजदूर तबके की मदद के लिए कबायली शख्सियात और मुखय्यर हजरात मैदान में आ गए। 400 से ज़ायद खानदानों में इनके घरों में जाकर राशन तकसीम किया गया। कोटा में जरूरतमंद लोगों में राशन तकसीम किया गया। हरनाई में पुलिस एफसी ओलिवीस का लॉकडाउन और दफा 144 के खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई करते हुए खुले हुए दुकानों को बंद कर दिया। कोयटा बलोचिस्तान कोरोना वायरस मजमूई सूरत हाल। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन पर भरपूर अंदाज में अमल दरामद जारी है। गुज़िश्ता रोज होने वाली शदीद बारिश और सैलाबी रेलों की वजह से हरनाई पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। पब्लिक वेलफेयर अस्पताल सुई में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को डेरा बुगटी पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से कोरोना के खिलाफ जंग में बरसरे पेकार हरावल दस्ते का किरदार अदा करने पर पेश किया गया। कोरोना के खिलाफ बेखौफ और खतर इंसानी जिंदगियों की हिफाजत के लिए काम करने वाले कौमी हीरोज हैं। डेरा मुराद जमाली से आपको अपडेट करें, कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम और लॉकडाउन के बायस दिहाड़ीदार मजदूर तबका घरों में महसूर होने के बायस इनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया। दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मुखय्यर हजरात और कबायली शख्सियात इनकी मदद के लिए मैदान में आ गए। कबायली रहनुमा बाबू वाहिद बख्श बंगलजई और शौकत बंगलजई ने दिहाड़ीदार मजदूर तबके के घरों में जाकर इनमें राशन तकसीम किए। पहले रोज 400 से ज़ायद खानदानों में इमदादी सामान तकसीम किया गया। उन्होंने बताया कि मुस्तहक अफराद की मदद का यह सिलसिला लॉकडाउन तक जारी रहेगा और कहा कि लॉकडाउन से मुतासर होने वाले मजदूर दिहाड़ीदार तबके और मुस्तहक अफराद को हरगिज़ तनहा नहीं छोड़ेंगे। कोयटा से आपको अपडेट करें, कोयटा में ज़रूरतमंद लोगों में राशन तकसीम किया गया। कोयटा से आपको अपडेट करें, कोयटा में गरीब और ज़रूरतमंद आवाम में राशन तकसीम किया जा रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना के बायस गरीब आवाम और दिहाड़ीदार मजदूर घर में महसूर होकर रह गए हैं, वो कमा नहीं सकते, इसलिए कोयटा में राशन तकसीम किया जा रहा है गरीब और ज़रूरतमंद आवाम में। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यह गाड़ी जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ वहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों में राशन तकसीम किया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से 3 हफ्तों की कारोबार की बंदिश के ऐलान के बाद आज भी कल्लात में लॉकडाउन जारी है। शहर भर में कारोबारी मराकज मार्केटें बंद और सड़कों पर भी ट्रैफिक मामूल से इंतहाई कम। शहरियों की अक्सरियत कोरोना वायरस के खौफ से अपने घरों में रहने को तरजीह दे रही है। ताहम कल्लात इंतजामिया की जानिब से सब्जी मार्केट, यूटिलिटी स्टोर्स और करियाना स्टोर्स के सामने 6-6 फुट की फासले के दायरे लगा दिए गए हैं, ताकि हर खरीदार दूसरे ग्राहक से कम 6 फुट के फासले पर खड़ा होकर अपनी बारी का इंतज़ार करे, ताकि कोरोना की मुहलिक मर्ज को मजीद फैलने से रोका जाए। हरनाई से आपको अपडेट करें, गुज़िश्ता रोज होने वाली शदीद बारिश और सैलाबी रेलों की वजह से हरनाई पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। पंजाब कौमी शाहराह पर सैकड़ों गाड़ियां पहाड़ी सिलसिलों में फंसी हुई हैं। हरनाई पंजाब शाहराह की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। शाहराह की बंदिश से ट्रकों में लोड लहसुन, टमाटर, कोयला और दीगर सब्जियों को नुकसान पहुँचने का खदशा है। महकमा B&R के पास शाहराह की बरवक्त बहाली के लिए मशीनरी मौजूद है न महकमा के जिम्मेदारान। लोग अपनी मदद आप इमदादी कार्रवाई में मसरूफ अमल हैं। हरनाई पंजाब कौमी शाहराह की बहाली के लिए बर वक्त इकदाम किए जाएं। न्यूज स्टूडियो से फिल्म मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट mashriqhd.tv और देखते रहिए मशरिक न्यूज।